अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाएं खाना। खाने में आप आज बना रहे हैं साबुत मसूर की दाल। दाल हमारे पास है एक पाव, जिसको हमने धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें चार ग्लास पानी डालेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रख देंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। टू टेबल स्पून कुटी मिर्चें डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। वन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे रख दिया है पकने के लिए। देखिए दाल हमारी उबलना स्टार्ट हो गई है। देखें दाल हमारी गल गई है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हसबे जायका और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं हैंड ब्लेंडर से दाल को घोट रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने नहीं इसको करना। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से घुट रही है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से घोट लिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पांच छह साबुत लाल और हरी मिर्ची डाल देंगे। पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल की भगार तैयार करेंगे।
भगार के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लहसुन को हम बारीक काट लेंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे, 1/2 कप ऑयल लिया है हमने। इसमें लहसुन, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालकर पकाएंगे। जब लहसुन हमारा गोल्डन होने लगेगा, लाइट गोल्डन करना है हमें लहसुन को, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें गोल्डन हो गया हमारा। देखिए भगार हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे दाल में डाल देंगे। दाल हो गई है हमारी तैयार। ये देखिए दाल बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये दाल चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सलाद और अचार के साथ खाइए और इंजॉय कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।